today I have invited you here to inform you of good work which has been done by Nahrlagun Police Station. Continuing into our efforts to curb vehicle theft, especially two-wheeler theft, which has been happening in capital region, Nahrlagun Police Station has been very active. And during conducting surprise checking in the township on 16th of this month, जो हमारा दिक्रॉन्ग चेक है इन द दिक्रॉन्ग चेक गेट नाका वी वेर एबल टू अप्रीहेंड टू मिस्क्रियंस नेमली हविजुल अली एंड इकरामुल हुसैन बोथ आर नेटिव्स ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम दे वर ट्राइंग टू फ्ली एंड आफ्टर अ चेज दे वर अरेस्टेड एंड अपन इंट्रोगेशन इट वॉज रिवील्ड दैट द मोटरसाइकिल यामाहा एफ जेड विच वॉज इन देयर पोजिशन was stolen from somewhere near dam site in Nahrlagun. तो इसके चलते हमने एक केस रजिस्टर किया हमारे यहाँ इमीडिएट और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया. इसके इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि हबीजुल और इकरामुल जिसको हमने पकड़ा है दोनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं. पहले भी मोर देन 10 केसेस टोटल अलग अलग से इनके ऊपर में ऑलरेडी चार्जशीटें हैं. So they are offenders from this area only. And ये दोनों जो है एक दूसरे से जूली जेल में मिले हैं. तो इसके बाद इनका इंट्रोगेशन के थ्रू हमने टोटल 8 मोटरसाइकिल्स रिकवर किया है जो कि मेनली भिपुरिया पुलिस स्टेशन का जो एरिया है आसाम में वहीं से हमने रिकवर किया है. इनका प्रोसेस ये था कि यहाँ से ये बाइक्स चोरी करते हैं, यहाँ से पिकअप करते हैं, इसके बाद ये सीधा ले जाते हैं हमारे चेक गेट को बाईपास करते हुए और बंगलमारा एरिया में लेके जाते हैं. वहाँ पे इनका जो रिसीवर है एक इलियास उद्दीन इलियास इली अली जो कि बंगलमारा का रहने वाला है उसको ये 10,000 से 15,000 के बीच में सेल कर देते हैं. और वहीं पे वी ऑल्सो फाउंड दैट जब वहाँ पे रेत डाला गया तो फ्रॉम अनदर लोकेशन वी फाउंड दैट दे वेर एबल टू क्रिएट फेक आरसी बुक्स एंड मेनी अदर फेक डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारा सील भी हमने रिकवर किया है. तो ये एक तरह से जो व्हीकल यहाँ से ले जाते थे उसको लेजिटिमेट बना करके वापस अरुणाचल में भी एंटर कर जाते. तो इस तरह से दिस हैज़ बीन ए गुड सक्सेस. 3 लोग अभी अरेस्टेड हैं. नंबर 1 इकरामुल हुसैन ये 21 साल का है, भिपुरिया आसाम का रहने वाला है. नंबर 2 हबीजुल अली 23 ईयर्स, ये भी भिपुरिया का रहने वाला है. ये दोनों मेनली जो थेफ्ट करते हैं वो हैं. और मोहम्मद इलियासुद्दीन जो कि मेन रिसीवर था इनसे जो बाइक भिपुरिया में ख़रीदता था बंगलमारा एरिया में वो है, ये भी पुलिस स्टेशन भिपुरिया का ही रेसिडेंट है. इसके अलावा एक और जो एब्सकॉन्डिंग है मफीदुल इस्लाम, ये 34 साल का है, ये भी बंगलमारा साइड का रहने वाला है. इसी के हाउस से सारा फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर हुए. टोटल जो 8 मोटरसाइकिल्स हमने रिकवर किए हैं उसमें से एक पल्सर, दूसरा TUV स्टार स्पोर्ट्स, पल्सर 135, डिस्कवर 135, यामाहा FZ, डिस्कवर 135, पल्सर और FZ. सो 2 FZ, 3 पल्सर, इसके अलावा TUV स्टार स्पोर्ट्स और 2 डिस्कवर बाइक्स हमने रिकवर किया. और भी रिकवरी करने की उम्मीद है, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि फर्दर रिकवरी होगी. जो बाकी आइटम्स रिकवर किए हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने का है कि बहुत सारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दे हैव बीन काउंटरफिटिंग. सो 1 इज द इनर लाइन परमिट्स विच आर यू कैन सी इन फ्रंट, then the driving license, RC books for the vehicles which have been stolen, election card, provisional ILPs, vehicle insurance copies, two-wheeler number plates, even high security number plates have been counterfeited. Then of course lots of stamps and seals which are used for counterfeiting these kind of documents. तो इसके साथ बहुत सारा अलग आइटम्स भी छोटे छोटे हमने रिकवर किए हैं. यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू.
With this Capitol Police in the last 3 months have actually recovered more than 42 wheelers. You must have been following that in Chimpu Police Station we had recovered around 11 vehicles, and then in Itanagar Police Station we recovered around 18 two wheelers. Like that, one or two also have been recovered in other cases, and this is one of the good successes from Nahalagan Police Station side. इसमें हमारा जो पुलिस स्टेशन नाहरलगन का टीम है इंस्पेक्टर किक्सी यंगफो अलोंग विद द इन्वेस्टिगेशन टीम सब इंस्पेक्टर सुशांत झा सब इंस्पेक्टर आर के झा एंड ऑफ कोर्स आल्सो द टीम फ्रॉम निर्जुली हु वर डिप्लॉयड इन डिक्रॉम चेक गेट अंडर द सुपरविजन ऑफ एस टी पी ओ नाहरलगन देखियो गुंजा वी हैव बीन दे हैव बीन डूइंग एक्सेलेंट जॉब एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम on this extremely difficult but very challenging task which has been accomplished by them, and I hope that they will be working further on it and bring further success on this front. Iske alawa main fir se ek bar reiterate karna chahunga jo hamara two wheelers hai uska jo theft capital region mein hota hai usme we find that bahut sara iska jo reason hai wo hamara unattended parking डार्क स्पॉट्स में जो पार्किंग होता है दूसरी बात है जो सिक्योरिटी रिलेटेड आइटम्स है अपने बाइक को प्रॉपरली लॉक करके रखना और प्रॉपर अगर हो सके तो टायर को भी लॉक करना इस तरह का जो सिक्योरिटी हैबिट्स है उसको आप प्लीज़ फॉलो करें देन आउट ऑफ दीज 8 बाइक्स वी हैव ऑल्सो नोटिस कि इनमें से किसी में भी हमने FIR कोई हमें नहीं मिला है जो कि रजिस्टर्ड है तो लिस्ट को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका मोटरसाइकिल इसमें आता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नाहरलगन पुलिस स्टेशन ताकि हम उसको राइटफुल ओनर को वापस हैंड ओवर कर सकें सो विद दिस आई वुड लाइक टू अगेन थैंक ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड माय टीम फ्रॉम द पुलिस स्टेशन फॉर द सक्सेस थैंक यू सर मेरा सवाल है सर आप लोग सर जब यहाँ पे चेकिंग बिठाते हो तो सर ये लाइसेंस और आर सी बुक चेक करते हो तो मोस्टली जो ऑनर होता है उसके पास स्कैन कॉपी होता है तो ये फेक वाला है मतलब काउंटरफिटेड वाला है या नहीं है इसको आप लोग किस तरह से आप लोग चेक करेंगे ओके थोड़ा सा डिफरेंस कैसे पकड़ता है उसको थोड़ा सा वी आर बेसिकली यूजिंग द एम परिवहन ऐप जो हमारे पास है या फिर जो वाहन.com है उससे हम कंफर्म कर लेते हैं दूसरा ऑफ कोर्स जो जेन्युइन ओनर है तो उसके साथ में उसका इंजन नंबर चेसिस नंबर को भी हम मैच करते हैं व्हीकल के साथ तो इस तरह से ही हम चेकिंग को करते हैं आपका ये जो चेकिंग सेटअप के बारे में आप जो बता रहे हो और आप लोग काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं सिंस आप लास्ट टाइम आप पकूँ पा रहे एस पी भी थे तो उस समय मैंने एक न्यूज़ भी बनाया था आपका इतना चेकिंग सेटअप है आप लोग दिन रात मेहनत करते हो कम पर्सनल होने के बावजूद भी लेकिन इतना चेकिंग का क्या फ़ायदा सब जबकि एक्सेसिबल रोड इतना ज़्यादा है जैसे कि कैपिटल घुसने के लिए आप जैसे बोला कि अभी बंदरगाह गेट जो एक्चुअल जो असम बॉर्डर है अरुणाचल असम बॉर्डर लेकिन आपका आप होलोंगी में देख लो वहाँ से एक गाँव है जहाँ से घुस सकता है आपका ये गुमतो में आपका एक है जिसका मैंने न्यूज़ बनाया था आपको एक बार कंटेक्ट भी करने का था तो इस तरह का रूट रहते हुए वो चेकिंग आप जितना भी वो कर रहे हो वो एक तरफ से मतलब मीनिंगलेस हो तो इस तरह का रूट के बारे में आप जो मतलब आप लोग का क्या स्टेप रहेगा और सर मैं ऐड करता हूँ आपने बंदरदुआ का जब बोला तो बंदरदुआ तो रिवर साइड पूरा खुला हुआ है वहाँ से हर दिन आना जाना होता है वो हम लोग को पूरा रिपोर्ट है सर तो सुनने में आया कि आप शायद पेट्रोलिंग भी शायद लगाया है कल परसों से सही है क्या सर ओके सो फर्स्टली दिस इज अ नेशनल बॉर्डर बिटवीन टू स्टेट्स राइट which are in the same union sir, we are not criticizing right, sir because Arunachal is a restricted area it is bounded by BFR that is the reason we are asking let me just finish the answer okay so for that purpose we cannot concentrate all our force in the border areas so what we do is in terms of checking the main check gates are properly manned and the rest of the areas which are far flung like the river side you are talking about these kind of areas are covered through patrolling and then we also provide put surprise nakas at certain places at certain times which we feel are more effective
जैसे कि आपका बंदरदुआ 5x1 हो गया, खरसिंगसा हो गया, कभी कभी खरसिंगसा ब्लॉक पॉइंट हो गया. सिमिलरली यू आर टॉकिंग अबाउट गुमतो एंड पपुम्परे साइड, सो दैट साइड ऑल्सो चेकिंग इज कंडक्टेड इन दोईमुख एरिया, सो दैट सच पिल्फरेजेस कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड. सो दिस इज द स्ट्रेटजी वी आर नॉर्मली डूइंग. एंड ऑल्सो समटाइम्स सरप्राइज चेक्स आर कंडक्टेड थ्रू the SDPO, through the OC and through SP office also, so that we are able to detect as many as possible. Like I said, we cannot promise that everybody is detected, but as many as possible and as effectively as possible.